तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है अतुल बटाली और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप पेटीएम से लोन कैसे ले सकते हैं। गाइस, बहुत से लोगों को रोड की इमरजेंसी होती है तो बैंक के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि बैंक आपको लोन देने में ही कम से कम 15-20 दिन वेस्ट कर देती है, लेकिन पेटीएम से आप लोन इंस्टेंटली पा सकते हैं। तो आपको कैसे लोन मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको लोन लेके दिखाऊंगा। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिसकी वजह से आपको मैं नए नए बिट्स मिलते रहेंगे। तो गाइस, चलते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं आपको पेटीएम से लोन कैसे लेना है। तो चलिए, तो यार सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पेटीएम के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना अकाउंट नहीं ओपन किया है, तो वैसे मैक्सिमम लोग का तो पहले से यहाँ पर अकाउंट होगा, तो आप लोगों को पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप लोग ऐप को ओपन करते हो, आप लोग के सामने ये इंटरफेस आएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जो ऊपर एक सर्च का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, इस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है लोन। अब जैसे कि आप लोग लोन सर्च करते हो, आप लोग के सामने यहाँ पर एक पर्सनल लोन का ऑप्शन आएगा, आप सभी लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो, आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा रहेगा कि भाई यहाँ पर आप लोग का नाम लिख के आएगा, जो कि जिस नाम से आपका पेटीएम का अकाउंट है, तो लिखा रहेगा प्लीज़ कन्फर्म योर ऑक्यूपेशन डिटेल्स। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। जैसे कि भाई आप क्या करते हो, आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो, मतलब किसी कंपनी में काम कर रहे हो, या फिर आप अभी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप लोग खुद का बिजनेस कर रहे हो। तो जो भी आप लोग करते हो, जैसे कि अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी खुद की शॉप है या फिर खुद का कोई बिजनेस है, तो आप लोग यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है। अदरवाइज को आप लोग को सैलरीड पर सेलेक्ट रखना है, सैलरीड पर सेलेक्ट है, और कंपनी का नाम लिखना है जिस कंपनी में भाई आप लोग जॉब कर रहे हो। एंड उसके अलावा यहाँ पर आप लोग को अपनी ईयरली इनकम लिखनी है। अब जैसे कि अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस कर रहे हो, तो भाई यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, अपना नाम लिखना है जो कि आपके बिजनेस का नाम है, फिर जो ईयरली आपकी इनकम है वो लिखकर आप लोग कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। ऐसे कन्फर्म के बटन पर क्लिक करते हो, आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा लोड होने के बाद। अब यहाँ पर आप लोग का जो लोन का रहेगा, लोन की एक लिमिट आप लोग के सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब जैसे कि अगर आप लोग देखते हो, तो मुझे करीबन 1,02,000 रुपये की लिमिट मिली है। मैं ऐसे 1,02,000 रुपये इंस्टेंट अभी के अभी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। इतना का लोन की लिमिट मुझको मिली है, मैं ऐसे इतना रुपये यहाँ से निकाल सकता हूँ। अब भाई देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, जितना अमाउंट का लोन चाहिए यहाँ पर एक लिमिट मिलेगी, 10,000, 20,000, 30,000। अगर मैं बताऊँ तो मैंने यहाँ पर पहले भी लोन लिया, उसका रिपेमेंट किया है, तो इसलिए मुझको ज़्यादा लिमिट मिल रही है। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन पेटीएम से करें, तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग पेटीएम को कितना यूज करते हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये लोन का अमाउंट। तो उसको 1,02,000 का लोन मिला है, एंड आपकी जो ईयरली इनकम है उस पर डिपेंड करता है। मुझको मान लीजिए कि मुझको 1,02,000 का लोन नहीं चाहिए, 10,000 रुपए का लोन चाहिए, तो जितने का लोन चाहिए उतना अमाउंट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप लोग के सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसे अगर आप बड़े अमाउंट का लोन दोगे तो यहाँ पे आप लोग को ज्यादा टेन्योर, मतलब ज्यादा टाइम देखने को मिलेगा, मतलब कम अमाउंट का लोन लेते हो तो कम समय देखने को मिलेगा। अब जैसे कि अगर मुझको यहाँ पे 10,000 रुपए का लोन चाहिए, तो नीचे लिख के आ रहा है कि मंथली जो इंटरेस्ट है वो 175 रुपए बढ़ने वाला है, एंड जो ईएमआई देनी पड़ेगी हर महीने करीबन 1,841 रुपए की देनी पड़ेगी 6 महीने तक, और उसके बाद हमारा अमाउंट यह रिपे हो जाएगा। अब देखो 10,000 रुपए का लोन ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि 10,000 रुपए टोटल बैंक में आएंगे। ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 10,000 रुपए का लोन लेते हो तो प्रोसेसिंग फी एंड स्टैंप ड्यूटी हटाने के बाद आपको करीबन यहाँ पर मिलेंगे 9,151 रुपए। 9,151 रुपए आपको बैंक में मिलेंगे, एंड जो आपको रीपे करना पड़ेगा वो करीबन 11,046 रुपए, मतलब 11,046 रुपीज करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे लिखा है कैलकुलेटेड ऑन एनालाइज इंटरेस्ट रेट ऑफ 35% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को सब कुछ देखने के बाद आप लोग कंटिन्यू जो लोन का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक देना है। अमाउंट सेलेक्ट कर लिया, सब डिटेल्स को देख लिया कि भाई क्या क्या सीन यहाँ पर है, आपने ये देख लिया कि भाई यहाँ पर कैसे क्या करना है, ठीक है, कितना लोन मिल रहा है, कितने लोन में कितना बैंक में आ रहा है, कितना आप लोगों का चार्जेस कट रहे हैं, एंड कितना रीपे करना है, ये सब देखने के बाद आप लोगों ने सब कुछ अपलोड किया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर टेक अ सेल्फी नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपको टेक अ सेल्फी नाउ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप लोगों को अपनी सेल्फी यहाँ पर अपलोड करनी है। अब जिसके नाम से पेटीएम का अकाउंट है उसकी सेल्फी अपलोड करनी है, उसके बाद बैंक डिटेल्स आएगी, आप लोगों को अपनी बैंक डिटेल्स को यहाँ पर देना है। बैंक डिटेल्स आप लोगों को वो देनी है जिसके अंदर आप लोग पैसा लेने वाले हो, एंड जिसके नाम से पेटीएम अकाउंट है, जिसके नाम से लोन ले रहे हो उसी के बैंक में आपको पैसा ट्रांसफर करना है, तो डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। डालने के बाद गेट लोन का ऑप्शन आएगा, भाई आपको इंस्टेंट डन पे क्लिक कर देना है, जो पैसा रहेगा इंस्टेंटली ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब भाई देखो मैंने यहाँ पर ये प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया है। अब जैसे कि आप लोग बैंक अकाउंट डिटेल्स को एंटर करते हो, बस डन पे क्लिक करते हो, इंस्टेंट जो आपके रुपए रहेंगे, जैसे कि 9,151 रुपए थे, वो मेरा सेलेक्ट किया था जितना अमाउंट वहाँ पे दिखाया था, इंस्टेंटली ही 5 मिनट के अंदर आपके बैंक में चला जाएगा जो बैंक डिटेल्स आपने एंटर करी है। उसके बाद आप लोग को उस अमाउंट को रीपे करने के लिए जो पर्सनल लोन का ऑप्शन आ रहा है इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद जो पर्सनल लोन का ऑप्शन आ रहा है ना, इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग एक साथ इसका अमाउंट रीपे कर सकते हो, या फिर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक ही आपके पेटीएम या फिर बैंक वगैरह से कटती रहेगी, ठीक है, तो कोई
सुनी है, इस तरह से यहाँ पर आप लोगों को लोन लेना है, लोन को विदड्रॉ करना है। तो जो प्रोसेस है काफ़ी ईजी है, बस ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, फिर आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है, बैंक डिटेल्स देनी है, विदड्रॉ कर लेना है पैसे को। बस एक चीज़ है कि हाँ, सबको लिमिट नहीं मिलती है, सबको लोन अप्रूवल नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों का लोन यहाँ पर रिजेक्ट भी होता है। तो आपको ट्राई करना है कि लोन यहाँ पर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बाकी आपको ट्राई करना, वो आपकी सैलरी जो मंथली ईयरली इनकम जो आपकी है उसके ऊपर लोन डिपेंड करता है, आपके सिविल स्कोर के ऊपर आपका लोन डिपेंड करता है। तो आप लोग बाकी देख लेना, बाकी तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लोन चाहिए तो इजिली आप लोग पेटीएम की मदद से ले सकते हो। तो ये पूरा टोटली प्रोसेस यही है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट पड़ने वाला है ना, वो आप लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा। देखो ये चीज़ काफ़ी सही है, मैंने 9151 रुपये मेरे बैंक में आ रहे हैं, 10,000 का लोन लिया है, 11,052 रुपये के आसपास रीपेमेंट करना है, 2,000 रुपये उसको 6 महीने में एक्स्ट्रा पे करना है। तो अगर आप लोग इतना रीपे कर पाओ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं इस टाइम पर रीपे कर सकता हूँ, अगर आपकी EMI बाउंस होती है तो भाई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, मतलब कि जैसे कि आपका सिविल स्कोर गिरेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो इनके रिकवरी एजेंट रहते हैं, अगर आपने 2-3 महीने की EMI नहीं भरी, उनके रिकवरी एजेंट भी आते हैं, जो रिकवरी एजेंट आपके घर पर आकर आपसे लोन लेने के, मतलब आपसे लोन का अमाउंट भी निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं बहुत।